जैसे हम लोग भाई को राखी बांधते हैं सुरक्षा करने के लिए, उसी तरह रक्षाबंधन का दिन में संकल्प लेते हैं सब बहनों मिल के, जो भाई आज से हम लोग पेड़ को नहीं काटेंगे, किसी को काटने भी नहीं देंगे। मेरा नाम जमुना टुडू है। मैं झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के चकुलिया ब्लॉक के रहने वाली हूँ। 1998 में मेरा मायके तो ओडिशा है, रायरमपुर। जब नया नया हमने आए थे तो उस टाइम मुझे भी गांव का जो महिला लोग है वो लोग हमको लेके गया था जंगल लकड़ी लाने के लिए। तो जब हमने देखे इतना बड़ा जंगल है, इतना सुंदर मतलब जंगल है, तो हम देखे अगर इस जंगल को हम लोग रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वो गांव का आदमी ने बोला इस जंगल को अगर हम लोग रखेंगे और लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, गांव वाला लोग से दुश्मनी होगा और हम लोग का बाद में कोई आना नहीं चाहेगा। तो हमने बोले शुरुआत में थोड़ा सी होगा ही, मतलब लड़ाई होगा, किसी से झगड़ा भी होगा, ये तो होगा ही, क्योंकि वो लोग बोलेगा आपका बाप का जमीन है, पानी डाल के बड़ा किए हैं क्या, जो हम नहीं काटेंगे। वो लोग भी बोलेगा वो तो बात सही बात है, लेकिन इस सबको हम लोग को बर्दाश्त करना होगा इन कुछ दिन के लिए। उसके बाद कुछ महिलाओं को लेके मैंने अपना जंगल में ड्यूटी करना शुरुआत हम लोग किए थे, और साथ में हम लोग का पानी का बोतल रहता है, कुत्ता लोग भी साथ में जाते हैं, और गांव का लेडी लोग बच्चा लोग सब हम लोग का साथ जाते थे, और सुबह शाम दोपहर को हम लोग रोज हम लोग ड्यूटी करते थे। ज़्यादातर तो जंगल माफिया लोग से ही जंगल का तो मतलब खतरा रहता है, गांव वाला लोग से मतलब उतना खतरा नहीं रहता है। वो लोग तो गांव वाला लोग तो समझ जाते हैं भाई चलिए, लेकिन जंगल जो माफिया होता है, जंगल माफिया जो होता है वो लोग जंगल को अंदर अंदर से मतलब काट के खोखला कर देता है, और लोग मतलब बाहर बाहर लेके चला जाता है। तो इसलिए जंगल माफिया लोग से ही जंगल का मतलब खतरा रहता है। सात आठ साल का पहले हम लोग को पता चला जो जंगल काट रहा आवाज़ हम लोग सुने, तो 70 रोला वो लोग काट दिया था। काटने के बाद में जब हम लोग गए, बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, वो लोग तो आदमी सब था ना, तो बोल रहा था कहाँ गया जमुना टुडू, कहाँ गया जमुना टुडू, ये बहुत जंगल रख रही है, अमुक कर रही, तुसुक कर रही है। जब हम लोग रुके तो कुछ कुछ आदमी भाग गया और कुछ कुछ आदमी रह गया था। उसके बाद हम लोग रोला उला को सब जब्त किए, और जब्त करने के बाद में फॉरेस्ट विभाग को हम लोग सूचना दिए भाई यहाँ पर इतना रोला काटा गया है, आप लोग आइए और लेके जाइएगा, और हम लोग एलोंग का विरुद्ध में हम लोग केस दर्ज करेंगे। एक जंगल रखने से तो कुछ फ़ायदा तो नहीं होता है ना, जब तक हम लोग सब जगह में जंगल को नहीं रखेंगे, सब जगह में ग्रामीण को जागृत नहीं करेंगे, महिलाओं को जागृत नहीं करेंगे, तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसीलिए मतलब पूरा घूम घूम के समिति बना बना के जंगल को रखना चाहती थी। पूर्वी सिंहभूम में 6 विधानसभा में कम से कम 300 से ज़्यादा समिति हमने बना चुकी हूँ। हर प्रखंड में, हर विधानसभा में मेरा समिति सब है, लेकिन और भी हमको आगे जाना है, और भी हमको आगे जाके इसी तरह जंगल सुरक्षा करने का लिए गांव-गांव में जाके बैठक करेंगे और समिति बना बना के पूरा भारतवर्ष का मतलब जंगल को सुरक्षा करने के लिए मैंने महिला लोगों को जागृत करेंगे। जंगल के लिए काम करती हूँ, और जंगल के लिए तो किसी से मैं नहीं डरती हूँ, जंगल बचाने के लिए ना हम राजनेता से डरते हैं, ना कोई जंगल माफियाओं से डरती हूँ, ना एमसीसी से डरती हूँ, जंगल के लिए हम किसी से नहीं डरती हूँ, जंगल बचाना है तो बचाना है बस। इसीलिए मुझे लेडी टार्जन का नाम से मतलब बुलाया जाता है।